महागठबंधन ने पूरी हो चुकी है सीट शेयरिंग पर बात, जल्द करेगी ऐलान आरजेडी। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी नेता सीताराम यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीताराम यादव ने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है, इसको लेकर महागठबंधन में कोई पैच नहीं है। अभी कांग्रेस के साथ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 10 फरवरी तक सबके साथ फाइनल हो जाएगा। आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार की 80% जनता महागठबंधन के साथ है। वहीं खुद के चुनाव मैदान में उतरने की सवाल पर उन्होंने कहा, मैं सीतामढ़ी से ही चुनाव लड़ूंगा, दूसरी सीट से नहीं। सीताराम यादव ने कहा कि मैंने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए लगातार काम किया है और नेता का वफादार रहा हूँ। लालू जी के हाथ में पार्टी का नेतृत्व है और तेजस्वी यादव देखरेख कर रहे हैं। वहीं विरोधियों पर हमला करते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर चाहे जितनी रैली कर लें, लेकिन महागठबंधन के सामने उनकी हार होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस बिहार में 15 लोकसभा सीट की मांग कर रही है। कांग्रेस यह भी संकेत दे रही है कि वह 12 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस के इन तेवरों के बीच राष्ट्रीय जनता दल बैकपिक योजना पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि राजद छोटी छोटी पार्टियों को गठबंधन में जोड़ने पर विचार कर रही है, ताकि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो वह इन छोटी छोटी पार्टियों के सहयोग से चुनाव मैदान में बीजेपी को पटखनी दे सके। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।